भारतीय क्रिकेट टीम में सीमित ओवरों में चौथे स्थान पर किस खिलाड़ी को खिलाया जाए। दोस्तों, यह समस्या कोई नई नहीं है। बीते कुछ वर्षों में ना जाने कितने बल्लेबाजों के साथ चौथे स्थान का परीक्षण किया गया, परंतु आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जहां महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को चौथे स्थान के प्रयोग में शामिल किया गया, वहीं ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे युवा प्रतिभावान बल्लेबाजों को भी इस चौथे नंबर की कसौटी से गुजारा गया। लेकिन इतने प्रयोगों के बावजूद भी परिणाम या तो क्षणिक रहे या निष्फल। और इसी सिलसिले में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं चौथे नंबर के प्रयोग में शामिल रहे एक ऐसे ही भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की, जिसने निरंतर शानदार प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट टीम में चौथा स्थान पक्का कर लिया था, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं द्वारा उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और वजह रही उस खिलाड़ी का 3D ना होना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अंबाती तिरुपति रायडू की। दोस्तों, वैसे तो इस 35 वर्षीय भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का करियर बेशक अपने आखिरी लम्हों में है, परंतु अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बिताए गए रायडू द्वारा अभी तक के 8 साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे अंबाती रायडू मैदान पर साथी खिलाड़ी से पिटते पिटते बचे। हम आपको यह भी बताएंगे कि 2019 विश्व कप टीम में चयनित न होने पर कैसे रायडू ने गुस्से में आकर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया, और साथ ही आयरलैंड क्रिकेट टीम से रायडू को आए कैप्टेंसी ऑफर का वर्णन भी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी हमारे उन दर्शकों के लिए जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइफ में काफी चीजें करना मुश्किल हो सकता है, पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अब है आसान, अपस्टॉक्स के साथ। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स आपको मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलने का मौका देता है। इसमें आप मात्र 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पिछले 30 दिनों में कितनी ट्रेडिंग की है, इसका कोई ब्रोकरेज नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत के प्रतिष्ठित व्यापारी रतन टाटा जी खुद इसमें इन्वेस्टर के रूप में जुड़े हैं, इसीलिए ये एक विश्वसनीय संस्था है। यहाँ आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं, और तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ इंडसइंड बैंक में मुफ्त में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट भी खोल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और आप अपने बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी के दिन के न्यूमेरिकल नंबर्स को अपने अकाउंट नंबर के रूप में भी चुन सकते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक्स जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नाम का एक ऑप्शन लाने वाला है, जो कि अंतरराष्ट्रीय कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़न और टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की परमिशन भी देगा। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और आसानी से अपने लिए ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना है। यदि आपको डीमैट अकाउंट खोलते समय कोई असुविधा या संदेह होता है तो अपस्टॉक्स टीम आपको खुद कॉल करेगी और अकाउंट खोलने में आपकी मदद करेगी। तो जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए। अंबाती रायडू का सफर शुरू होता है 23 सितंबर साल 1985 से, जब उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में हुआ। बचपन में रायडू के अंदर छिपी बेहतरीन क्रिकेटिंग कला को उनके पिता संबा शिवा राव ने पहचाना, और जब रायडू तीसरी कक्षा में थे तभी से उनके पिता ने उनका दाखिला क्रिकेट अकेडमी में करवा दिया। रायडू के कोच विजय पॉल, जो कि हैदराबाद के पूर्व क्रिकेटर थे, उन्होंने अपने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे रायडू के पिता उन्हें स्कूटर पर एकेडमी लाया करते थे और मैदान से दूर खड़े होकर घंटों अपने बेटे के हुनर को निहारा करते। पिता के सपनों और अरमानों को लेकर रायडू भी जी जान से मैदान पर पसीना बहाया करते। रायडू ने अपनी स्कूलिंग श्री रामकृष्णा विद्यालय से पूरी की और अपने स्कूल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते रायडू हैदराबाद के यूथ टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां से सही मायने में अंबाती रायडू के क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत हुई। हैदराबाद यूथ टीम में खेलते हुए अंबाती रायडू ने अंडर 15 और अंडर 19 स्तरीय क्रिकेट खेलना जारी रखा। इसी यूथ टीम में बेहतरीन क्रिकेट प्रदर्शन के चलते अंबाती रायडू का चयन साल 2000 में आयोजित हुए ACC इंडियाज अंडर 15 टूर्नामेंट में हो गया। इस टूर्नामेंट में अंबाती रायडू लीडिंग रन स्कोरर रहे और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। लगातार कई एज ग्रुप स्तरों पर कामयाबी पाने के बाद आखिरकार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अंबाती रायडू का डेब्यू हैदराबाद की टीम से साल 2002 रणजी सीजन में हो गया। अपने पहले रणजी मैच में हैदराबाद के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए रायडू ने मात्र 33 रन ही बनाए, और अपने इस प्रदर्शन के बाद पूरे सीजन में रायडू टीम में जगह बनाने में नाकामयाब रहे। हालांकि साल 2002 के अंत में रायडू के अंदर क्रिकेट की बेहतरीन प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भारतीय अंडर 17 टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया, और अंडर 17 टीम में खेलते हुए ही रायडू का प्रमोशन इंग्लैंड दौरे के लिए अंडर 19 टीम में कर दिया गया। रायडू ने इस दौरे पर बतौर ओपनर खेलते हुए अपने हुनर का जौहर समूचे
समूचे विश्व को दिखाया। इस दौरे पर अंबाती रायडू भारत की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहे और अपने इस प्रदर्शन के बलबूते रायडू 2002-03 रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की टीम में फिर से जगह बनाने में कामयाब रहे। बल्लेबाज के तौर पर रायडू का यह रणजी सीजन बेमिसाल रहा। इस पूरे सीजन में अंबाती रायडू ने 698 रन धुआंधार 69.80 की एवरेज से जोड़े और इसी सीजन में खेलते हुए अंबाती रायडू ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 159 गेंदों पर 210 रन ठोके, जो कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में किसी युवा बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन है। 2003 में रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन के प्रभाव से अंबाती रायडू को साल 2004 के ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया। हालांकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कारवां सेमीफाइनल तक ही सीमित होकर रह गया, परंतु इस टूर्नामेंट में की गई अंबाती रायडू द्वारा कप्तानी बहुत ही सराहनीय रही। अंबाती रायडू मैदान पर किए जा रहे अपने क्रिकेट प्रदर्शनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे। अब तक रायडू मीडिया और अखबारों के कालमों में एक जाने पहचाने युवा भारतीय क्रिकेटर सितारे के रूप में उभर चुके थे, लेकिन अब हम आपके सामने रणजी सीजन 2005-06 से जुड़ा एक ऐसा वाक्या साझा करेंगे जो रायडू के ओवर एग्रेशन से भारतीय घरेलू क्रिकेट पर एक बड़ा धब्बा लगते लगते बचा था। दरअसल हुआ यूं, रायडू आंध्र प्रदेश की टीम से 2005 रणजी सीजन उनकी भूतपूर्व टीम हैदराबाद के खिलाफ खेल रहे थे। हैदराबाद के प्लेयर अर्जुन यादव से मैदान पर रायडू की कुछ कहा सुनी हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि अर्जुन यादव ने स्टंप्स उखाड़ कर रायडू पर हमला बोल दिया, लेकिन मैदान पर खड़े अंपायरों और साथी खिलाड़ियों की बदौलत यह झगड़ा ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया। लेकिन इस झगड़े के बाद मीडिया में तरह तरह की खबरें चली, जिससे भारतीय क्रिकेट में अंबाती रायडू की छवि को भारी नुकसान हुआ। अब हम आपके सामने अंबाती रायडू से जुड़े एक और विवाद को साझा करेंगे। यह घटना साल 2007 में हुई इंडियन क्रिकेट लीग की है। BCCI की तरफ से किसी भी भारतीय घरेलू क्रिकेटर द्वारा इस लीग में शामिल होना प्रतिबंधित था, लेकिन अंबाती रायडू ने BCCI के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस लीग में भाग लिया, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए BCCI ने रायडू पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि साल 2009 में अंबाती रायडू पर लगाए गए प्रतिबंध को BCCI द्वारा वापस ले लिया गया। घरेलू क्रिकेट में अंबाती रायडू के विवाद और शानदार प्रदर्शन लगातार गतिमान होते रहे। इस बीच अंबाती रायडू का 2 बार टीम इंडिया में सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन दोनों ही बार रायडू प्लेइंग 11 में जगह बना पाने में नाकामयाब रहे। साल 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के इंजर्ड होने के बाद अंबाती रायडू के जीवन में वह मौका भी आया जब रायडू अपनी प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मैदान पर बिखेरने में सक्षम रहे। अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में अंबाती रायडू ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नाबाद 63 रन बनाए और डेब्यू पर अर्धशतक जड़ने वाले 12वें भारतीय बल्लेबाज बन गए और भारत यह मैच अंबाती रायडू और कप्तान कोहली की साझेदारी की बदौलत जीतने में कामयाब रहा। अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में 68 जड़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंबाती रायडू का आत्मविश्वास और भी मजबूत होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय एक दिवसीय टीम में रायडू का प्रदर्शन निरंतर अच्छा होता चला गया और रायडू साल 2015 के विश्व कप में भारतीय टीम की ओर से जगह बनाने में कामयाब रहे। लेकिन विश्व कप जैसे महामंच पर चयनित होने के बावजूद भी रायडू एक भी मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे। हालांकि विश्व कप के तुरंत बाद हुए जिम्बाब्वे टूर पर रायडू ने अपने प्रदर्शन से विश्व कप में न खिलाए जाने का गुस्सा निकाल ही लिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही मैच में अंबाती रायडू ने धमाकेदार अंदाज से 124 रन जड़ डाले और इस मैच में रायडू अपने नाम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड करने में कामयाब रहे। जिम्बाब्वे टूर की कामयाबी के बाद भी अंबाती रायडू टीम में अपने अस्तित्व को निर्धारित नहीं कर पाए और भारतीय टीम से अंदर बाहर होने का सिलसिला जारी रहा। अंबाती रायडू के क्रिकेटिंग करियर के दृष्टिकोण से साल 2018 उनके लिए बहुत कामयाब रहा। IPL 2018 में मिली सफलता के बाद भारतीय टीम में रायडू की वापसी हुई और भारतीय टीम में चौथा स्थान रायडू ने निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पक्का कर लिया। लेकिन विश्व कप 2019 की टीम के चयन के साथ एक बार फिर अंबाती रायडू को दरकिनार कर दिया गया। चयनकर्ताओं द्वारा वजह दी गई, अंबाती रायडू टीम के लिए उपयोगी बल्लेबाज नहीं है, हमें विजय शंकर जैसे 3-डायमेंशनल प्लेयर्स की आवश्यकता है। चयनकर्ताओं के इस फैसले से भारतीय क्रिकेट विशेषज्ञ जगत आश्चर्यचकित था। कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने खुलकर रायडू का समर्थन किया। मीडिया में भी रायडू के पक्ष में खबरें चलाई गईं। सोशल मीडिया पर अंबाती रायडू के प्रशंसकों ने चयनकर्ताओं का विरोध करते हुए रायडू को 3D प्लेयर की उपाधि दे डाली। बहरहाल रायडू अपने क्रिकेट करियर में मची इस उथल पुथल से बहुत परेशान रहे और 2 जुलाई 2019 को रायडू ने गुस्से में आकर क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने के बाद अंबाती रायडू को आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड से आयरलैंड क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने का न्योता भेजा गया, परंतु रायडू द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया और फिर 29 अगस्त 2019 को उन्होंने अपने रिटायरमेंट के डिसीजन को वापस ले लिया। अंबाती रायडू 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने आखिरी एक दिवसीय मैच के बाद अभी तक टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंबाती रायडू के अभी तक के सफर को आंकड़ों की भाषा में बयां करें तो वह कुछ इस प्रकार है। रायडू ने 55 ओडीआई व 6 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें उनके रन क्रमशः 1694 और 42 रहे। वहीं रायडू के नाम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 3 शतक भी शामिल रहे। अब अगर बात करें अंबाती रायडू के आईपीएल आंकड़ों की, तो आईपीएल में रायडू ने कुल मिलाकर 166 मैच खेले, जिनमें उनके रन 29.6 की औसत से 3795 रहे। 2010 से शुरू हुए अपने आईपीएल सफर में रायडू मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों का हिस्सा रहे और वर्तमान में वे चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा हैं। घरेलू क्रिकेट के विवादों के साथ साथ आईपीएल में भी रायडू के नाम के आगे विवादों के जोड़ने का सिलसिला जारी रहा। साल 2012 में आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के हुए एक मैच में बेंगलुरु के हर्षल पटेल और मुंबई के अंबाती रायडू के बीच जोरदार भिड़ंत हुई और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन मैदान पर मौजूद विराट कोहली ने इस झगड़े को बढ़ने से रोक लिया। रायडू के नाम अगला आईपीएल विवाद जोड़ता है साल 2016 के आईपीएल मैच से, जिसमें अंबाती रायडू ने अपने ही साथी खिलाड़ी हरभजन सिंह से उलझ गए थे, जिसका बीच बचाव मैदान पर खड़े बाकी मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स ने किया। अब अगर रायडू के निजी जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां आपसे साझा की जाए, तो अंबाती रायडू की शादी उनकी कॉलेज फ्रेंड चेन्नुपोली विद्या से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। तो यह था अंबाती रायडू के द्वारा तय किया गया अभी तक का सफर। साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अंबाती रायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश की टीम में बतौर बल्लेबाज शामिल हैं और भारतीय टीम की जर्सी एक बार फिर पहनने की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। धन्यवाद।